साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे नाइस जेल। साथियों जो हमारे पास जेल है इसमें निमूसुलाइड होता है और भी कॉम्बिनेशन है, साथ में बताएंगे। नाइस जेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कितना इसका उपयोग करना चाहिए और हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूज, एंड MRP की बात करेंगे साथियों। साथ ही साथ इसके जो है कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे साथियों। तो इसमें जो नाइस जेल है इसमें जो मिला होता है निमूसुलाइड, मिथाइल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल एंड कैप्सासिन जेल। इसमें साथियों है निमूसुलाइड 10 mg मिला होता है, मिथाइल सैलिसिलेट 100 mg, मेंथॉल 50 mg एंड कैप्सासिन 0.25% एंड वाटर सॉल्युबल बेस मिला होता है। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन को। निमूसुलाइड जेल इज यूज्ड फॉर टारगेट पेन लाइक इन केस ऑफ क्रॉनिक एंड एक्यूट मस्कुलोस्केलेटन मसल्स भी कह सकते हैं, जो मसल्स होती हैं उसके लिए, डिसऑर्डर्स एंड नॉन आर्टिकुलर रूमेटिक डिसऑर्डर्स। ये साथियों क्या होता है कि शरीर में कहीं पे भी जो है चोट है उसमें तो यूज होते होता है, साथ में जो है जैसे कि एक्यूट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस, किसी तरह की स्पॉन्डिलाइटिस है, और जो है क्या होता है कि माइल्ड टू यूज पेन, जैसे मतलब हल्का सर दर्द हो रहा है या माइग्रेन है किसी को, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है मसल स्पास, मसल में दर्द होता है, जैसे कोई वर्क करते हैं, मशीन पे वर्क करते हैं, कंटिन्यू हाथ चलता है तो उसके जॉइंट्स के पास मसल्स पेन होने लगता है, अर्थराइटिस हो जाता है, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जॉइंट्स में पेन है, मतलब ओल्ड एज जेरियाटिक जो हो जाते हैं पर्सन, बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, ठंड में क्या होता है स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट्स जो होते हैं हाथ के, उंगलियों के, पैर के, उसमें जो है इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है बर्साइटिस साथियों, इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं, कंधे का जॉइंट्स होता है उसमें जो है एक सूजन आ जाती है, तो उसके अंदर जो है पेन होता रहता है, उसके लिए होता है। और एक होता है साथियों टेंडिनाइटिस क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडॉन्स होते हैं, जैसे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से, हड्डी तो नहीं डैमेज होती पर उसमें लिगामेंट टेंडॉन्स जो है डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें जो है टेंडिनाइटिस में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ साथियों बात करेंगे जो निमूसुलाइड इसमें जेल मिला हुआ है वो जो है क्या होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है क्लास की ये दवा है, और ये जेल है, ये क्या होता है एक्सटर्नल यूज ओनली, ये एक्सटर्नल यूज उपयोग किया जाता है। साथियों जैसा कि हमने डिस्क्रिप्शन में यूजेस के बारे में बताया, एक बार फिर से जो है रिपीट करेंगे, एक्यूट पेन में इसका बहुत अच्छा उपयोग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस में साथियों क्या होता है कि ओल्ड एज हो जाता है, हड्डियाँ जो है कमजोर हो जाती हैं और शरीर में क्या होता है बहुत दर्द होता रहता है, उसमें उपयोग है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है डिसमिनोरिया में इस्तेमाल किया जाता है, एंड माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट पेन उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों साथ ही साथ माइग्रेन में इस्तेमाल किया जाता है, साथियों माइग्रेन के साथ साथ जॉइंट्स पेन में इस्तेमाल किया जाता है, एंड टेंडिनाइटिस जैसा कि अभी बताया था कि टेंडॉन्स लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, गॉट में इस्तेमाल साथ ही साथ जॉइंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जॉइंट स्टिफनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अर्थराइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये बहुत ही अच्छी जो है पेन की दवा है, कहीं पे जैसे क्रिकेट खेलते हैं या कहीं चोट लग जाती है, किसी तरह का शरीर में आघात लगता है और वहाँ के टिश्यू डैमेज होते हैं और दर्द होता रहता है, मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, इरिटेटेड स्किन हो जाती है, जैसे जहीं पर कहीं पर रब करते हैं तो वहाँ पर रेडनेस आ जाती है और इचिंग होने लगती है, और कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, साथ ही साथ क्या होता है रेड स्किन हो जाती है और स्किन रैसेस पड़ जाते हैं, तो इस तरह के इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। साथियों कंट्राइंडिकेशन की इसकी बात करेंगे तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी अगर किसी की होती है तो इसको ये जो है जेल बगैर डॉक्टर की सलाह से नहीं मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज नहीं यूज करना चाहिए। अगर किसी को एलर्जी है इसको लगाने से, किसी तरह की रेडनेस बहुत ज़्यादा पड़ जाती है
या पेन होने लगता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर, किसी मरीज को अगर पेप्टिक अल्सर है पेट के अंदर और डिस्पेप्सिया है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ हम डोज और डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे साथियों, जैसा कि इसमें लिखा है डोज एंड डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो क्या स्प्रेड नाइस जेल इज यूज टू टॉपिकली सिंपली अप्लाई इन द अफेक्टेड एरिया। तो इसका जो है अफेक्टेड एरिया पे रबिंग इन ए थिन लेयर, मतलब पतला पतला करके उसको जो है लगाते हैं। दिन में 3 से 4 बार इसका जो है अप्लाई किया जाता है। जितनी बार भी लगाते हैं साथियों उसके बाद क्या होता है कि हैंड वॉश जरूर करते हैं ताकि कहीं आई वगैरह में या कहीं पे भी लग ना जाए। तो साथियों साथ ये डॉक्टर रेड्डी का प्रोडक्ट है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। साथ ही साथ इसका जो है जो MRP है साथियों वो 101.20 रुपये है और जो इसका वेट है 30 ग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें। साथियों नमस्कार।